अस्सलाम वालेकुम, इन स्टूडेंट सोल्यूशन चैनल से मैं हूँ तुहिन। तो इधर सामने आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल बल्ब है के एस बी मिल का। तो ये कंट्रोल बल्ब को अभी हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। नॉर्मली जितना प्लान क्या इंडस्ट्री है, सब में ईयरली एक बार क्या दो बार शट डाउन रहेगा, और उस टाइम ही हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, सारा इंस्ट्रूमेंट को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमारा प्लांट अभी शट डाउन पे है, और हमारा ये जो कंट्रोल बल्ब है, ये कंट्रोल बल्ब में एक्चुअली पासिंग था, इसमें हंटिंग का इशू था। तो इसलिए हम लोग अभी हमारा जो कंट्रोल बल्ब को निकाल के बाहर लेके आएंगे, लेके इसको हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। तो चलिए, एक्चुअली कंट्रोल बल्ब को कैसे मेंटेनेंस करता है आज का वीडियो में वही आपको दिखाता हूँ। ओके, तो कंट्रोल बल्ब में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था, मीन्स एक जेबी रहेगा, एक लिमिट स्विच रहेगा, और एक पोजिशनर रहेगा, देन एफआर रहेगा, कुछ ट्यूब रहेगा। ये सारा हम लोग को निकाल दिया। अभी इस साइड में लिमिट स्विच है, इसको भी निकालेंगे। निकालने के बाद ऊपर में चेन कपर एक्चुअली लगा के रखा, फिर मैकेनिकल इसको बाहर ले के आएगा। तो इधर देख रहे हैं, अभी कपलिंग जो है वो कपलिंग ओपनिंग चल रहा है। तो पहले कपलिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो भाल में हमारा जितना इंस्ट्रूमेंट था वो मैं निकाल दिया। अभी कपलिंग को ओपनिंग चल रहा है, तो कपलिंग भी ओपनिंग हो गया। अभी भाल एक्चुएटर के साथ एक लॉक नट रहेगा, ये लॉक नट को भी निकालना पड़ेगा। देन चेन कॉप पर लगा के एक्चुएटर को ऊपर की तरह खींचना पड़ेगा, फिर हमारा एक्चुएटर ऊपर में आ जाएगा। तो इधर देख रहे हैं, हमारा एक्चुएटर ऊपर में आ गया, और ये हमारा एक्चुअली वाल्व है, और ऊपर वाला बोनट है। तो ये बोनट को भी बाहर अभी लेके आना पड़ेगा। तो अभी हमारा बोनट बाहर आ गया। इधर एक्चुअली हमारा जो ये बोनट आप देख रहे हैं, ऊपर वाला बोनट है, और नीचे दो पार्ट है, एक है केज और दूसरा है प्लग स्ट्रिंग। तो ये भी मैं निकल के आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमारा बोनट को अलग करना पड़ेगा हमारा केज और प्लग स्ट्रिंग से। तो आप देख रहे हैं, हमारा बोनट अलग हो गया, और हमारा केज और जो प्लग स्ट्रिंग है वो अलग हो गया। तो अभी ये प्लग स्ट्रिंग और केज को अच्छा से मॉनिटरिंग चल रहा है। एक्चुअली इसमें कुछ डैमेज हुआ कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ये हमारा कंट्रोल बल्ब का टीए है, टेक्निकल एडवाइज़र। तो ये एक्चुअली इसको अच्छा से चेक कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो इसको फाइंड आउट करेगा, देन सॉल्व करेगा, और बड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको बाद में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ये प्लग स्ट्रिंग का भी हो सकता है, और केस का भी हो सकता है, क्या सीटरिंग का भी हो सकता है। एक्चुअली इसमें बहुत पार्ट रहेगा कंट्रोल बल्ब में, मैं एक एक करके आपको सब दिखा दूँगा। और ये एक्चुअली हमारा पाइपलाइन है, इधर ही हमारा वाल्व बैठेगा कंट्रोल वाल्व। तो ये है, आप इधर इस साइड में देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा इनलेट लाइन है, इधर से हमारा फ्लो आएगा आके ये जो डीप है, इसमें हमारा जो प्लग स्ट्रीम है, और हमारा जो केज है, केज इधर बैठ जाएगा, फिर हमारा जो फ्लो है वो नीचे से चला जाएगा। तो अभी हमारा जितना पार्ट होगा, मीन्स हमारा कंट्रोल बल्ब के साथ जितना पार्ट यूज़ हुआ था, केज, प्लग स्ट्रीम, देन हमारा शीटरिंग, ये सारा को अभी ऐसा करके एक्चुअली WD-40 मार के, फिर जीरो का MD पेपर दे के अच्छा से इसको क्लीन करना पड़ेगा। और हमारा प्लग स्ट्रीम में कुछ डैमेज था, इसलिए हम लोग ये हमारा प्लग स्ट्रीम को अभी चेंज कर देंगे। तो इधर आप देख रहे हैं, इधर कुछ डैमेज है, डीप हो गया। एक्चुअली कैसे हुआ पता नहीं, ये नीचे भी कुछ हुआ था डैमेज, इसलिए इसको अभी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद से भी हमारा जो हंटिंग का इशू था, देन पासिंग का इशू था, वो भी हो सकता है। तो इसको चेंज करके अभी नया प्लग स्ट्रीम लेके आया, अभी इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ये हमारा नया प्लग स्ट्रीम है।
तो एक्चुअली अभी नया प्लग स्टीम को केस का अंदर पुराना वाला केस का अंदर घुसा के इसको अभी चेकिंग चल रहा है इसमें कुछ अटक रहा है कि नहीं। एक्चुअली ये स्मूथली अप डाउन होना चाहिए, लेकिन इसमें इसके साथ बीच में कुछ गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये है एक्चुअली लैपिंग पेस्ट है। ये लैपिंग पेस्ट हमारा जो प्लग स्टीम है, प्लग स्टीम का मुंडी पे अच्छा से लगा देना पड़ेगा। फिर ये लगाने के बाद क्या होगा, हमारा जो शीटरिंग है ये प्लग स्टीम जाके केस के अंदर से जाके शीटरिंग पे बैठेगा। फिर एक्चुअली ये सही से बैठ रहा है कि नहीं ये हमारा पता चल जाएगा लैपिंग पेस्ट यूज़ करने के बाद। तो अभी इसमें हमारा जो प्लग स्टीम है इसमें अच्छा से लैपिंग पेस्ट लगा दिया, अभी हमारा केस का अंदर से प्लग स्टीम चला गया। अभी हमारा शीटरिंग को अच्छा करके क्लीन करके शीटरिंग का ऊपर बैठ जाएगा हमारा केस बैठेगा पहले, और अभी हमारा प्लग स्टीम को बैठना पड़ेगा शीटरिंग का ऊपर। तो आप देख रहे हैं थोड़ा हैमरिंग करना पड़ेगा, फिर हमारा इसमें पता चल जाएगा एक्चुअली हमारा जो ब्लैक वाला कलर था वो ब्लैक वाला कलर पूरा इसमें आया कि नहीं, मीन्स हमारा शीटरिंग पे आया कि नहीं। अगर कुछ डैमेज रहेगा, कुछ गैप रहेगा, तो हमारा शीटरिंग पे क्या प्लग स्टीम पे पता चल जाएगा। तो इधर शीटरिंग पे आप देख रहे हैं कॉर्नर से ब्लू कलर का थोड़ा आ गया, तो इसमें हमारा कुछ डैमेज नहीं है, ये सोई से बैठा। तो एक्चुअली इसलिए लैपिंग पेस्ट हमारा कंट्रोल वाल्व पे यूज़ करता है ये टेस्ट करने के लिए। ओके, तो ये प्लग स्टीम के साथ दो गैस्केट रहेगा, पहले जाएगा ब्लैक वाला, देन ऊपर में आएगा एक व्हाइट वाला गैस्केट। तो आप देख रहे हैं फास्ट में ब्लैक वाला चला गया, प्लग स्टीम के साथ एक डीप रहेगा, फिर व्हाइट वाला अभी चला जाएगा इसका ऊपर, ब्लैक वाला का ऊपर। ठीक है, ये आराम से बैठ गया। अभी ये जो हमारा केज है, केज में थोड़ा लो बॉयल इधर दे रहा है, क्योंकि लो बॉयल देने के बाद हमारा प्लग स्टीम आस्ते आस्ते केस के अंदर घुसेगा। जिधर गैस्केट डाला था उधर भी थोड़ा दे रहा है, क्योंकि ये अच्छे से अंदर जाने के लिए। अभी थोड़ा खींचने के बाद हमारा प्लग स्टीम केस के अंदर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा प्लग स्टीम केस के अंदर चला गया, और अभी ये मूविंग भी हो रहा है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मोलिक्यूल इसके अंदर दे रहा है, फिर ये मोलिक्यूल देने के बाद ये हमारा हॉट लाइन है, हॉट लाइन एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट अटक के नहीं रहेगा, इसलिए मोलिक्यूल दे रहा है। और ये है हमारा गैस्केट सेट का फर्स्ट पार्ट, फिर ये गैस्केट सेट देने के बाद थोड़ा मोलिक्यूल देना पड़ेगा, फिर अभी हमारा ये जो शीटरिंग है ये गैस्केट सेट का ऊपर बैठ जाएगा, फिर गैस्केट सेट का ऊपर शीटरिंग बैठ गया। अभी हमारा जो प्लग स्टीम और जो केज है ये हमारा इसका अंदर चला जाएगा। तो अब देख रहा है हमारा प्लग स्टीम नीचे चला गया। अभी और एक गैस्केट सीट रहेगा, मतलब गैस्केट सीट का दो नंबर पार्ट है ये, इसका ऊपर देना पड़ेगा। इसमें भी मोलिक्यूल दे दिया, फिर और एक शीटरिंग ये हमारा ऊपर का जो
और गैस्केट है, इसमें बैठ जाएगा। मीन्स हमारा जो एक्चुअली केज है, केज और गैस्केट से सर ये बैठ जाएगा। तो अभी देख रहे हैं ये आराम से बैठ गया। फिर इसमें थोड़ा मोलिकोड दे रहा है, क्योंकि मोलिकोड देगा तो अच्छा है, ये बाद में आराम से बाहर आ जाएगा। तो अभी बोनट का अंदर भी थोड़ा दे रहा है, तो अभी हम लोग बोनट को बैठा देंगे। तो हमारा बोनट इधर बैठ गया। अभी हमारा जो प्लग स्टीम है उसके साथ ये कपलिंग को लगा के एक्चुअली हमारा प्लग स्टीम को थोड़ा मूविंग करना पड़ेगा, ऊपर के तरह नीचे के तरह। ये एक्चुअली ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं, तो अब देख रहा है ये ओपन क्लोज हो रहा है और उतना प्रॉब्लम भी इसमें अभी नहीं मिल रहा है। तो अभी ये सारा नट को क्रॉसिंग करके टाइटिंग चल रहा है, फिर टाइट होने के बाद तो ये है ग्लैंड पैकिंग। ये हमारा प्लग स्टीम का अंदर जाएगा, फिर ये जाने के बाद हमारा अंदर से कुछ मतलब लाइन से कुछ लीकेज ऊपर की तरह नहीं आएगा। तो इसमें भी फिर मोलिकोड देना पड़ेगा, मोलिकोड दे के एक एक करके हमारा जितना ग्लैंड पैकिंग है ये सारा अंदर चला जाएगा। एक्चुअली ये ग्लैंड पैकिंग बहुत सारा रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्लग स्टीम अब देखा इतना बड़ा, ये पूरा प्लग स्टीम में हमारा ग्लैंड पैकिंग चला जाएगा। तो ये टोटल आपका 8 या 10 इतना सा होगा। पहले नीचे ग्लैंड पैकिंग जाएगा, देन बीच में एक स्पेशल पार्ट आएगा, वो भी ग्लैंड पैकिंग का, वो भी आपको मैं देखा था। वो तो आप देख रहे हैं 4 ग्लैंड पैकिंग अंदर चला गया। अभी ये एक्चुअली हमारा ग्लैंड पैकिंग का स्पेशल पार्ट है, ये बीच में रहेगा, तो ये भी चला जाएगा अंदर। फिर थोड़ा मोलिकोड देना पड़ेगा। फिर से हमारा ग्लैंड पैकिंग ये भी जाएगा प्लग स्टीम के अंदर। तो एक्चुअली जितना ग्लैंड पैकिंग है ये सारा चला जाएगा। ये हमारा मोलिकोड का बोतल है, तो अभी हमारा जो ये दो नाट है इसको आस्ते से दोनों साइड से सेम मेज़रमेंट लेके टाइट करना पड़ेगा। फिर थोड़ा अप डाउन होगा तो इसमें लीकेज होने के लिए चांस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए दोनों एक साथ में स्ट्रेट करके टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप दोनों में सेम रहना चाहिए। तो अभी हमारा वाल्व का सारा काम हो गया, अभी हमारा एक्चुएटर को इंस्टॉलिंग चल रहा है। तो फिर से एक्चुएटर को बैठा के इसका जो कपलिंग है, कपलिंग को लगाना पड़ेगा। फिर लॉक नट है इसका, हमारा जो एक्चुएटर है एक्चुएटर का लॉक नट है। तो ये लॉक नट को अच्छा करके टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एक्चुएटर हिलेगा। फिर अभी टेम्पोरारी हमारा जो एक्चुएटर है इसमें एयर सप्लाई दे के हमारा वाल्व को चेक करना पड़ेगा, जो हमारा वाल्व एक्चुअली मूविंग हो रहा है कि नहीं, और हमारा वाल्व में से कुछ पासिंग है कि नहीं, मीन्स कुछ एयर लीकेज है कि नहीं वाल्व से, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये चेकिंग चल रहा है।
तो अभी ऐसा थोड़ा यार रख के ही हमारा कपलिंग को लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो कपलिंग है, ये कपलिंग जो प्लग स्टीम है नीचे वाला ऊपर वाला का, इसका एक्चुअली बीस में बैठ जाएगा ये कपलिंग। फिर कपलिंग बैठा के जो एलन की स्क्रू था इसको आस्ते से टाइट कर देना पड़ेगा, फिर हमारा कपलिंग का काम खत्म हो जाएगा। तो ये एलन की स्क्रू को अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, फिर हमारा ये जो कपलिंग है कपलिंग के साथ एक स्केल रहेगा, मीन्स हमारा बाल्ब कितना परसेंट ओपन है 0 to 100 ये इधर मिल जाएगा। तो स्केल भी हमारा इसके साथ कपलिंग के साथ लग जाएगा। फिर हमारा बाल्ब को एक्चुएटर को जो हैंडल है मैनुअली हैंडल, ये हैंडल को लगा देना पड़ेगा। तो हमारा मैनुअली हैंडल वो भी एक्चुअली कंप्लीट हो गया इंस्टॉल। अभी हमारा जितना इंस्ट्रूमेंट था मीन्स पोजिशनर, AFR, देन वॉल्यूम बूस्टर, देन लिमिट स्विच और कुछ ट्यूबिंग था, ये सारा मैं इंस्टॉल कर दिया। अभी हमारा जो कंट्रोल वाल्व है ये वाल्व को एक्चुअली कैलिब्रेट चल रहे है। तो आज का वीडियो में कंट्रोल वाल्व का अंदर क्या क्या पार्ट रहता है ये सारा को मैं निकाल के कैसे इसको एक्चुअली मेंटेनेंस करना है आज का वीडियो में वही आपको अच्छे से दिखाने के लिए ट्राई किया। और एक कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर का अंदर क्या क्या रहता है ये लेके मेरा एक वीडियो है। देन कंट्रोल वाल्व को ट्रैवल शूटिंग आप लोग कैसे करेगा, देन पोजिशनर से कंट्रोल वाल्व को आप लोग लीक चेक कैसे करेगा ये लेके मेरा अलग अलग वीडियो है। और पोजिशनर को ABB, देन सीमेंस पोजिशनर को आप लोग ऑटो मैनुअल कैलिब्रेट कैसे करेगा ये लेके भी मेरा अलग अलग वीडियो है। मैं सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहिए तो ये वाला देख सकते हैं, फिर इसके बारे में भी आपका अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर दीजिए। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो एवरी मंडे में वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।